श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स अंतर्गत गुरु आनंद कुंदन चॅरिटेबल ट्रस्ट भोसरी संचलित आर के लुंकर डायलिसिस सेंटर याचा उद्घाटन समारंभ नुसताच भोसरीत संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आयरमॅन श्रीमान कृष्णप्रकाश, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, सुवरलालजी शिंगवी, पारसजी मोदी, प्रकाशजी रसिकलालजी धाडीवाल, रमणलालजी लुंकड, जवाहरलाल भळगट, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे उपस्थित होते. मानव सेवा हीच ईश्वरसेवा समजून गोरगरिबांना कमीत कमी खर्चात चांगल्यात चांगली सेवा पुरवण्यात येईल, मानवतेचे कार्य अखंडित चालू राहण्याचा विश्वास असल्याचे यावेळी कृष्णप्रकाश यांनी बोलताना सांगितले. चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई समाज सेवा के कार्य और मानव सेवा के कार्य होते रहे हैं और जो डायलिसिस सेंटर की स्थापना का कार्य यहाँ हुआ है और कई और स्थानों पर हो रहा है इस माध्यम से, यह आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है. हिंदुस्तान विश्व का डायबिटी कैपिटल है. यहाँ पे पूरे विश्व के 49% डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, जिनमें से कई लोगों की डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे लोगों के पास डायलिसिस की सुविधा नहीं होने के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें इन परेशानियों से दूर करने का जो बीड़ा उठाया है वो सही भारत मामलों में जैन धर्म और भारतीय संस्कारों में अंतर्निहित जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर आगे चलने वाली विचारधारा. मैं समझता हूँ मानवता के इस अभियान में और लोग भी जुड़ते जाएंगे. हम तो अकेले ही चले थे जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवा बन गया. जय सिर्फ सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, ये इतिहास है इस देश का. करोड़पति की जयंती किसी ने मनाई? लखपति की जयंती किसी ने मनाई? झोपड़े में रहने वाले के मना रहे हैं. इसलिए मेरा कहने का मतलब इतना है, मैं तो ये अनुभव कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ जिन्होंने नवयुवक है जिन्होंने शादी नहीं किया उनको मेरा संदेश नहीं है तो आप भी शादी मत करो. मैं शादी करो परिवार को. अन्ना आचार्य ने सिर्फ शादी नहीं किया लेकिन परिवार झुका नहीं. छोटा परिवार करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया, पूरा देश गरम परिवार हो गया. अरे ये बड़े परिवार में आनंद है, ये छोटा परिवार है ना इसमें दुख है. क्यों? सब मेरा है ना, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा. डब्बा को मौका तो नहीं सोचते बैठकर कहाँ गया क्या हो गया मेरा. अरे तो आया कल्याण से जाना कल्याण से क्या मेरा है. मैं ज्यादा ना कहूंगा या मुझे जो सवाल जी वगैरह सब आए और मुझे बताया कि ऐसे काम है, मैं जाता नहीं अभी ज्यादा दौड़ा नहीं करता, लेकिन ये अच्छा काम था और मैं अभी भी कहता हूँ कि और भी डायलिसिस सेंटर जितने खड़े होंगे वहाँ मैं जाऊँगा. स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत गुरु आनंद कुंदन चैरिटेबल ट्रस्ट भोसरी संचालित आर के लुंकर डायलिसिस सेंटर का आज यहाँ पर सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से और समाज सेवक अन्ना हजारे जी, हमारे प्रकाश भाऊ धारीवाल एवं वरिष्ठ ऑफिसर कृष्ण प्रकाश जी के आशीर्वाद से ये उद्घाटन यहाँ पर संपन्न हुआ. जैन कॉन्फ्रेंस का ये डायलिसिस सेंटर का जो मानवता का कार्य है हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कोठारी ने शुरू किया और उसके बाद हमारा ये पूना के अंदर तीसरा डायलिसिस सेंटर आज यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और चौथा डायलिसिस की घोषणा नासिक रोड में हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी साहब चोपड़ा जैन, जिन्होंने अपने ही निवास स्थान पर फर्स्ट फ्लोर पर ये शुरू करने की घोषणा की है, जो आने वाले 3 महीने में ये कार्य सफलतापूर्वक बहुत ही शुरू हो जाएगा. मानवता का इस कार्यक्रम में जैन कॉन्फ्रेंस जो अपना योगदान दे रही है उसके लिए हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सभी ने बहुत बहुत साथ दिया है
और आगे भविष्य में भी पूरे राष्ट्र में सब जगह आज हमारी संस्था के 72,000 मेंबर उनके सभी के सहयोग से ये मानवता का कार्य पूरे भारत भर के हर एक शहर में हो, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। जास्त कामगार आहे आणि या मोस्टरीला लागून असलेला हा आमचा ग्रामीण भाग इकडला जवळपास शिरूरपर्यंत आळे फाटेपर्यंत, तर तो पूर्ण जो काही शेतकरी वर्ग आहे तो सर्वसामान्य म्हणून त्याने याचा जास्त फायदा होईल। म्हणून हे दोन्ही ठिकाणचे प्रपोजल सागरजी आपण बसू, आपल्या कमिटी बरोबर आदरणीय बळकट साहेबांबरोबर रवीने सर्वजण आपण बसू आणि उद्या परवाच त्याच्यावर आपण चर्चा करू। सुभाष चित्तर, विजय कर्णावट, राजेंद्र चोरडिया, गिरीश मुथिया, राजेंद्र बाठिया, सागर साखला यांनी कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेतले। प्रतिनिधी महाराष्ट्र न्यूज, पिंपरी चिंचवड।